तकरीबन 2.5 घंटे मीटिंग चलती है किसान नेताओं की, और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उनके साथ साथ प्रदेश भर से यहां पर किसान नेता पहुंचे हुए थे। गुरनाम जी, 2.5 घंटे मीटिंग चली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मकसद था इस मीटिंग का? आज हमने जो भारतीय किसान यूनियन है उसकी मीटिंग बुलाई थी, कोर कमेटी की मीटिंग थी आज, जिसमें सारे जिला प्रधान और कुछ मुख्य आदमी, कोर कमेटी की मीटिंग थी। और ये था कि हमें अपने आंदोलन को मजबूती देने के लिए क्या करना चाहिए, एजेंडा था कि हम इस आंदोलन को और मजबूती कैसे दें। और उस पे ये फैसला हुआ है कि 25 तारीख को संविधान दिवस पे, उसके पहले 24 तारीख को सर छोटराम जयंती पे उसके गांव सांपड़ा से, जहाँ पे उसका स्मृति स्थल है, वहाँ पे उसको फूल अर्पित करके, और 25 तारीख को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर, संविधान दिवस 26 तारीख का है, संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर 25 तारीख को मौड़ा मंडी से, जहाँ से पिछले साल हमने दिल्ली कूच शुरू किया था, वहाँ से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। और ये पैदल यात्रा जीटी रोड पानीपत तक, पानीपत से रोहतक, और रोहतक से फिर टीकरी बॉर्डर तक जाएगी, जो वहाँ पे इतवार तक पहुँचेगी। इतवार से 4 तारीख का है, 5 का। तो 5 तारीख को टीकरी बॉर्डर पे ये यात्रा जाएगी। तो पूरी रणनीति उसी को लेकर बनाई गई है? हाँ, पूरी रणनीति उसी को लेकर बनाई है। और इसके साथ साथ एक ये भी है कि अगर हमारे टीकरी पहुंचने से पहले अगर सरकार मान जाती है, अगर सरकार फैसला कर लेती है तो अच्छा है, और वरना 5 तारीख को हम वहां पे एक घोषणा तो ये करेंगे कि हरियाणा और पंजाब का किसान कर्जा नहीं भरेगा, और किसी किसान की कर्जे में जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, और बाकी जो उसके अगली रणनीति होगी वो 5 तारीख को वहीं पे जो हमारे उसके भी सबके बीच में फैसला लेंगे। क्या मांगे मनवाना चाहते हैं आप, जो आप बता रहे हैं, जो जो जिन मांगों पे, जिन 4 मांगों पे, 3 काले कानून और 4th MSP की गारंटी, जिस पे आंदोलन चल रहा है, अगर उसका फैसला 5 तारीख से पहले हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर 5 तारीख तक भी उसका फैसला नहीं होता तो हम इस आंदोलन को एक कदम आगे और बढ़ा देंगे। क्योंकि हमारा जो पहले आंदोलन था वो कर्जा मुक्ति पूरे दाम का आंदोलन पहले से था, कि MSP की गारंटी का कानून बने और कर्जे में किसान मर रहा है, कर्जा किसानों का छोड़ो, ये हमारा पहले से आंदोलन चल रहा था। तो जब ये 3 कानून आए और ये SKM में जब सारे संगठन इकट्ठे हुए तो उसमें काले कानूनों की और MSP की बात ही रखी गई थी, उसमें अगली बात को छोड़ दिया गया था। तो लेकिन अगर सरकार मानती ही नहीं है तो फिर वो जो है, हम हरियाणा और पंजाब के किसानों को कहेंगे कि अब आपने कर्जा नहीं भरना है, अनिल विज का जब तक नहीं भरना है, जब तक हमारे आंदोलन का फैसला नहीं होता, एक बात को समझने की जरूरत है, तब तक हमने कर्जा रोकना है जब तक हमारे आंदोलन का फैसला नहीं, हरियाणा पंजाब के, हरियाणा और पंजाब। अनिल विज का बयान आया है कि बातचीत से ही समाधान निकलता है, और अज्ञान कारणों से किसान नेता बातचीत के लिए नहीं जा रहे हैं, और ये किसान नेता किसान हितेशी तो हो ही नहीं सकते। फिर देखो ये तो उसकी समझ के मुताबिक क्या है, और या वो मीडिया में कुछ हीरो बनना चाहते हैं, या किसानों को जो है वो अनजान दिखाना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि अगर सरकार लायक है तो 11 दौर की मीटिंग हो चुकी है, 11 बार में तो फैसला कर नहीं पाए वो। उसके बाद अगर हमने इनकार किया हो बातचीत से तो हम दोषी हैं। हमने तो अब भी इनकार नहीं किया, विज कर ले बात, कर ले सरकार से, बता दे हमें भी किस दिन आना है, जिस दिन वो कहेगा हम आ जाएंगे।
और ये इस तरह से मतलब ये कहना गुमराह करते हैं ये लोगों को, हमने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। उन्होंने एक बात और कही है, वैसे तो इनका अंदरूनी मामला है यानी कि आप लोगों का, किसान नेता किसानों को इनका नेतृत्व बदल लेना चाहिए, मतलब जो आप नेतृत्व कर रहे हैं तमाम अलग अलग जत्थेबंदियां, तो नेतृत्व बदल लेना चाहिए, वो नेतृत्व बनाना चाहिए जो जाकर बातचीत करें। बिल्कुल, वो शायद महसूस कर रहे हैं, और असलियत ये है कि बीजेपी को अपना नेतृत्व बदल लेना चाहिए, जो इतना ऐसा नेतृत्व उन्होंने बना दिया कि 700 किसान मरने के बाद भी उनको किसानों की पीड़ा, देश की पीड़ा नजर नहीं आई, ऐसे नेतृत्व को बीजेपी को बदल लेना चाहिए, वरना बीजेपी की जड़ें उखड़ जाएंगी। सर, एक लखीमपुर में भी कोई आने वाले दिनों में कोई नहीं, लखीमपुर के नहीं, पीलीभीत में, पीलीभीत में हम 14 तारीख को पूर्णपुर में एक बड़ी किसान न्याय महापंचायत कर रहे हैं, और ये जो यात्रा निकाल रहे हैं इस यात्रा का नाम किसान सम्मान यात्रा रखा है। किस तारीख को ये निकाल रहे हैं? जो यहाँ से यात्रा निकाल रहे हैं, बताया ना 25 तारीख को जो अम्बाड़ा से शुरू होगी, 24 तारीख को वहाँ पे फूल माला अर्पित करने के बाद सर छोटू राम की जो स्मृति स्थल है, तो 25 तारीख को संविधान दिवस की पूर्व संध्या पे हम मौड़ा मंडी से, जहाँ से पिछले साल आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ से पद यात्रा निकालेंगे टीकरी बॉर्डर तक। इसमें हमने ऑफर सबको दिया है, सबको अनुरोध है कि सभी इस यात्रा में शामिल हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के, राजस्थान के हों, सभी भाई इसमें भाग लें और इस यात्रा को जो है वो एक इसको एक सफल बनाएं और इसमें गति दें। संयुक्त किसान मोर्चा से आपने बात कर ली है, वहाँ के भी नेता कुछ आएंगे आपके साथ जुड़ेंगे? मतलब ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे में ही एक बात पास हुई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए, उन्हीं वहीं से पास हुई है, और उसी बात को हम फॉलो कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोर्चे पे पहुंचे, यात्राएं करके आए, उन्होंने ऐसा कहा था, और कोई तो यात्रा करेगा या नहीं करेगा हमें नहीं पता, लेकिन हम उस बात को। वहाँ का भी कोई कार्यक्रम है 26 तारीख को, क्योंकि 29 को भी दिल्ली कूच की तरफ कोई बातचीत चल रही थी। 29 को 500 आदमियों का दिल्ली कूच है टीकरी बॉर्डर से, हर रोज 500 का है, और वो ये है कि जो जाएंगे वो आगे बैठेंगे जाके अगले संसद पे, और रास्ते में रोक लिया तो वो जो जाएंगे वो देखेंगे। किसानों की आज मीटिंग थी, बैठक थी, और इस बैठक के जरिए किसान अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। 25 तारीख को एक यात्रा निकलेगी अंबाला से, मोड़ी अनाज मंडी से, जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये यात्रा पानीपत पहुंचेगी, पानीपत से रोहतक पहुंचेगी, रोहतक से टीकरी बॉर्डर पहुंचेगी, और उसके बाद वहां पर ऐलान हो जाएगा कि किसान तब तक अपना कर्जा नहीं भरेंगे जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाता, जब तक इनकी मांगे मान नहीं ली जाती। हमारे साथ सुदेश हुडा जी हैं, सुमन हुडा जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला किसान मोर्चा की, चढ़ूनी ग्रुप की। क्या कुछ बातचीत की और सभी किसानों की सहमति हुई? जी बिल्कुल, हमारे यूनियन की ये मीटिंग थी और सभी मौजूद लोग यहाँ पे मौजूद थे, और सभी की एक ही राय है कि संयुक्त मोर्चा में ये ऐलान हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डरों पे संख्या बढ़ाई जाए, तो उसी संख्या को बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है सबने मिलके कि हम 24 तारीख को सर छोटू राम धाम जो सांपला है वहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके, और 25 तारीख को मोड़ा मंडी से, क्योंकि हमें संघर्ष करते हुए एक साल हो गया है, पिछले साल हमने 25 तारीख को ही मोड़ा मंडी से यात्रा शुरू की थी, तो इस बार भी हम उसी पॉइंट से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और वो यात्रा हमारी पैदल यात्रा होगी। हम ट्रॉलियों के साथ, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पीछे लेते हुए, और आगे हम पैदल मार्च करेंगे, और ये जो यात्रा होगी हमारी, ये मोड़ा मंडी से लेके टीकरी बॉर्डर तक कूच करेगी। क्या कुछ वहां पर ऐलान हो सकता है? क्योंकि एक ऐलान ये कहा जा रहा है कि आप लोग ये ऐलान करेंगे किसानों के लिए कि कर्जा ना भरा जाए तब तक जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और मांगों पर बात की जाएगी?
देखिए मेन है अभी सरकार की आर्थिक रूप से कमर तोड़ना, आर्थिक असहयोग आंदोलन शुरू करना। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत इसी पॉइंट से कर रहे हैं कि हम जब तक आंदोलन चलेगा तब तक कर्जा नहीं भरेंगे, हमारे किसानों की जमीन को किसी भी हालत में कुर्क नहीं होने दिया जाएगा, हम हर हाल में उनके साथ खड़े हैं। तो वो अपने हौसले डाउन ना करें और आत्महत्या जो हो रही है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उन किसानों को हौसला देने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, मीटिंग रखी गई है और ऐलान किया गया है टिकरी बॉर्डर पर पहुंचने का। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं करनाल के गुरुद्वारा डेरा कार सेवा से, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे और साथ ही साथ जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमन हुड्डा जी वो भी यहां पर पहुंचे और काफी किसान नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और तकरीबन 2.5 घंटे मीटिंग चली है और काफी अहम फैसले लिए गए हैं। क्योंकि आप लोगों को भी पता है तकरीबन 1 साल हो जाएगा 26 नवम्बर को जब किसानों को अपना जो आंदोलन है शुरू किए हुए दिल्ली पहुंचे हुए सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए 1 साल होने वाला है। उसी के चलते 2.5 घंटे इन लोगों की मीटिंग चल रही है और अहम फैसला लिया गया है कि 24 तारीख को जो सर छोटू राम जयंती है उसी के चलते पहले फूल अर्पित किए जाएंगे अंबाला के सांपला में और अगले ही दिन जो मंडी है मोड़ा मंडी वहां से आंदोलन शुरू किया जाएगा। जिस तरह से पिछली बार भी 25 नवम्बर को ही ये लोग वहां से चले थे और टिकरी बॉर्डर पहुंचे थे और इस बार फिर से ये लोग यही करेंगे 25 तारीख को सारे किसान। और साथ ही साथ इन लोगों ने कहा है कि पंजाब हरियाणा के सभी किसानों को ये लोग साथ लेकर चलेंगे, पैदल मार्च निकाली जाएगी, सबसे पहले वहां से पानीपत के लिए निकला जाएगा, फिर रोहतक पहुंचेंगे और रोहतक से होते हुए टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया है कि जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी सरकार के द्वारा, क्योंकि तकरीबन 1 साल हो चुका है, तब तक जो कर्जे हैं किसानों के वो किसान नहीं भरेंगे, ये भी कहा गया है। क्योंकि आत्महत्या कर ली जाती है किसानों की तरफ से और कर्जे के कारण जो जमीन होती है उसकी नीलामी हो जाती है, उसके तहत भी ऐसा फैसला लिया गया है। तो काफी बड़ा रहने वाला है 25 नवंबर का दिन अंबाला के सांपला से फिर से पिछली बार की तरह ये लोग कूच करेंगे टिकरी बॉर्डर पर, काफी हरियाणा पंजाब के किसान भी पहुंचने वाले हैं और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी उसके बाद फिर से कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी अनिल विज पर भी निशाना साधते हुए नजर आए, क्योंकि इससे पहले अनिल विज ने बयान दिया था कि ये तमाम किसान नेता किसानों के हितेशी नहीं है, क्योंकि लंबा समय हो गया है और 11 दौर की बातचीत हो गई थी उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। किन अज्ञान कारणों से किसान नेता सरकार के पास बातचीत नहीं करने जा रहे, ऐसा अनिल विज ने कहा था। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ कह दिया है कि ये हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं, अगर बातचीत करनी होती तो दोबारा सरकार बुलाती और हम आज भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं और हल निकालना होता सरकार को तो शायद इन 11 दौर की बातचीत में हल निकल जाता। वहीं अनिल विज ने यह भी कहा कि किसानों को अपना नेतृत्व बदल लेना चाहिए, हालांकि ये किसानों का अंदरूनी मामला है। उस पर भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कटाक्ष किया और ये कहा कि बीजेपी को अपना नेतृत्व बदल लेना चाहिए, क्योंकि कई किसानों की मौत हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक सरकार जागी नहीं है और सरकार को जागने की ज़रूरत है और अपने उन कानूनों को वापस लेने की ज़रूरत है। अब यात्रा निकाली जाएगी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से 25 तारीख को और उस यात्रा का सरकार पर कितना दबाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।